वाइब है यहाँ पे। वीडियो को पूरा देखिए, एक मैं स्पॉट बताऊंगा जहाँ से काफी अच्छी फोटो आती है। मैंने As you can see, जो ये वाला जो हाईवे है ऊपर से जाता है, ये नागपुर छिंदवाड़ा हाईवे है। तो आपको वहाँ से लेफ्ट लेके नीचे वाले रास्ते से आना है। एक इसके पहले भी रास्ता आता है, और एक ये जो इस साइड से रास्ता आता है जो पाटन सांगी गांव के अंदर रास्ता जाता है यहाँ से, तो यहाँ से अंदर जाना है। और देन सीधा सीधा जाके मैं आपको बताता हूँ कहाँ से टर्न लेना है। फिर वहाँ से जो ट्रक्स जा रही है, ये वाला भी एक रास्ता आता है, बट हम लोग थोड़ा उस साइड से साउनर साइड से, तो हम लोग दूसरे रास्ते से। तो आप गांव के अंदर से सीधा सीधा सीमेंट रोड लेना है ये वाला, और सीधा यही सीमेंट रोड पकड़ के सीधा सीधा चले जाना है आपको। यहाँ पे एक टर्निंग आएगी, यहाँ पे टर्निंग है ना, वहाँ पे एरो भी दिया गया है सीधा जाना है। और आप देख सकते हो पहाड़ भी, मंदिर भी दिख रहा है हमें। तो यहाँ से 4-5 किलोमीटर है, ये हमें कोलार नदी क्रॉस करनी पड़ती है यहाँ से। तो जब हम ये वाले रास्ते से आते हैं तो बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि मंदिर ये यहाँ पे पास में ही है, तो रास्ता कहाँ से। तो रास्ता ये जो डांबर रोड गया सीधा सीधा जाना, और राइट साइड में बोर्ड लगा है वहाँ पर टर्न लेने का, वहाँ से आपको टर्न लेके और पहाड़ पे चढ़ना पड़ेगा। तो कन्फ्यूज में तो ये है, जब तक बोर्ड नहीं आता तब तक सीधा सीधा चलिएगा। बहुत ही शानदार हवा चल रही है, और अभी सनराइज़ भी होने का ही है, हो रहा है। हम लोग काफ़ी सुबह आ गए हैं, और यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा है। और ये यहाँ पे मंदिर है, पहुँचने वाले हैं हम बस। तो अब जैसे ही ये वाले रास्ते से आते हो सीधा सीधा सीधा, तो यहाँ पे बोर्ड लगा है बबुलखेड़ा, और पीछे में एक इस साइड बबुलखेड़ा बस स्टॉप है। तो बस स्टॉप से सीधा सीधा आना, और ये बबुलखेड़ा जो 1 किलोमीटर दिया है, यहाँ से हमें टर्न लेना है बबुलखेड़ा गांव में, और यही सीधा गाँव के अंदर से रास्ता चला जाता है यहाँ से मंदिर की साइड में। तो मैं दिखाता हूँ आपको, चलिए। तो वहाँ पे वो वाला बोर्ड लगा है, और जैसे ही हम यहाँ से आते हैं तो यहाँ पे भी एक बोर्ड लगा है। यहाँ से 2 किलोमीटर है, यहाँ से टर्न होकर जाना पड़ता है, और इस साइड से जो नागपुर से आते हैं उनके लिए रास्ता है। जैसे ही अब गांव क्रॉस होंगे तो यहाँ पे एक बोर्ड लगा है, यहाँ से सीधा ऊपर जाना है। तो आइए चलते हैं। तो यहाँ से व्यू काफी अच्छा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ ही लिया होगा, हम लोग आए हैं पंचमुखी हनुमान जी के टेंपल के पास, मतलब टेंपल में अभी मैं पहुंचने का हूं। तो मैं दिखा दूं आपको कैसा रहता है बाकी सब। बहुत ही बढ़िया और फेमस टेंपल है, और मैं इसलिए यहां पे रुक गया, यहां से व्यू काफ़ी अच्छा है। मेरे बैक साइड में देख सकते होंगे आप, और यहां से मैं ये देखने के लिए रुक गया, यहां से व्यू काफ़ी अच्छा है। और मेरे बाल इसलिए बिगड़ गए, मैं थोड़ा गाड़ी चला गया हूँ फास्ट। बालों को इग्नोर करिएगा, और एक बार आइए घूम के देखिए, काफ़ी अच्छा है, मतलब अच्छी है प्लेस, और एक अलग ही वाइब है यहाँ पे, बहुत बढ़िया। मैं आपको दिखा दूँ अंदर का व्यू, मतलब काफ़ी भीड़ रहती है, बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को नहीं पता है ये प्लेस। तो जिसको पता है तो अच्छी बात है, जिसको नहीं पता तो वो आके एक बार विजिट करें, काफ़ी बढ़िया है। जब हम वो वाले रास्ते से आते हैं तो मैं वहाँ पे गाड़ी पार्क करके और यहाँ से आया हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये अभी अभी सनराइज हुआ है, और यहाँ का व्यू। जैसे ही हम यहाँ से आते हैं तो लेफ्ट साइड में है यहाँ पे कार पार्किंग स्पेस, ये देख सकते हैं। और यहाँ से ही जब हम सीधा जाएंगे तो यहाँ पे है 2-व्हीलर पार्किंग स्पेस। तो स्पेस तो काफ़ी है, और 4-व्हीलर के लिए भी 2-व्हीलर के लिए भी। लेकिन गाड़ी ऐसी पार्क करें आप कि जब आप रिटर्न आए तो गाड़ी आपकी जल्दी निकल जाए, क्योंकि बाकी दिन तो ठीक है निकल जाती है, बट सैटरडे संडे को पैर रखने की जगह नहीं रहती है। अगर आप 8-9 बजे पूजा करके रिटर्न आ रहे हैं, तो अगर आप जल्दी आ रहे हैं तो गाड़ी ऐसी जगह पार्क कीजिए कि 9 बजे आपकी गाड़ी निकल जाए, क्योंकि ऑलमोस्ट 9:30-10 तक लोग निकलते नहीं है, पूजा जब तक होती नहीं है, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है अगर गाड़ी आपने अंदर लगा दी। तो गाड़ी थोड़ा सा बाहर ही लगाए, 2-व्हीलर भी 4-व्हीलर भी। यहाँ पे कुछ दुकानें हैं, और ये पता नहीं कुछ तो भी लिखा है, सभागृह वगैरह है,
और यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया सा ट्री है और पीपल का, हाँ पीपल का ही है, और ये भी सभागृह ही है। और ये है टू व्हीलर पार्किंग स्पेस, ये देख सकते हैं एक गाड़ी ये इधर लगी है, एक मैंने वहाँ लगाई है, और देख सकते हैं पूरा पार्किंग एरिया खाली है। और यहाँ से जो हवा चल रही है और जो व्यू है काफ़ी बहुत ही अच्छा है। वीडियो को पूरा देखिए, एक मैं स्पॉट बताऊंगा जहाँ से काफ़ी अच्छी फ़ोटो आती है, मैंने निकाली, आपको देखना है तो आप इंस्टाग्राम पे विजिट कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया फ़ोटो आती है। और ये है बैकग्राउंड का व्यू कुछ, और अभी टेंपल खुलने का है, मैंने देखा जैसे ही ओपन होता है हम जाते हैं। दरवाजे भी लगे हैं, जब तक हम यहाँ से जाते हैं, ये एक स्पॉट है जहाँ पे फोटो अच्छी आती है, और दूसरा एक स्पॉट मैं बताता हूँ, जैसे आप जाएंगे इस साइड से तो लेफ्ट साइड में ये वाला है एंड एक ये वाला है, ये जो ट्री है यहाँ से यहाँ ये वाली व्यू से काफी अच्छी फोटो आती है। यहाँ पे आप स्टैंड करेंगे तो मैंने इंस्टाग्राम पे डाली, आप देख लेना एक बार। यहाँ से ऊपर आने के बाद दी व्यू, तो मंदिर का दरवाजा लगा है, हम इस साइड से जाएंगे, नीचे से आएंगे हम, यहाँ पे श्री माँ दुर्गा जी का मंदिर है और ये भोलेनाथ शंकर जी का मंदिर है। तो as you can see यहाँ से डोर लगा हुआ है और अभी कोई आया नहीं क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है और हम ही सबसे पहले आ गए। और ये वाला है जो टेम्पल, अभी ऊपर जाएंगे, और आप आना चाहते हैं तो सुबह 7:30 को आरती होती है और शाम को 6:30 को आरती होती है। साफ सफाई होने की है थोड़ी, तो थोड़ा सा गंदा दिखेगा क्योंकि हम लोग काफी सुबह आ गए हैं। और अगर आपको ये पढ़ना है और हनुमान चालीसा भी दी गई है, आप पढ़ सकते हैं, एंड ये डोल वोल सब रखे। और ये शनि भगवान का मंदिर है भी, आ जाओ। तो as you can see ये शनि भगवान का मंदिर है और ये वाला मंदिर है, और मंदिर के बैक साइड में काफी अच्छा व्यू है। छिंदवाड़ा हाईवे है वो भी दिखता है, बट अभी आपको दिखेगा नहीं बिकॉज कैमरा हाई डेफिनेशन नहीं है, बाकी आपको गाड़ियां दिख जाएंगी जाते हुए उस साइड में। तो as you can see बैठने की फुल अरेंजमेंट दी गई है और व्यू देख सकते हैं आप काफी अच्छा है टेंपल का। आइए चलते हैं, निकलते हैं अभी घर, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।